बनारसी उत्तर प्रदेश में बनारसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तहत आने वाली महिला महाविद्यालय हॉस्टल में लड़कियों के लिए भेदभाव भरे नियमों का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पत्र दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। आवेदन पत्र मुताबिक लड़कियां 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती और 10 बजे के बाद फोन यूज नहीं कर सकती। ऐसी ही कई पाबंदियां लगाई गई हैं। यह आवेदन पत्र वकील प्रशांत भूषण के कुछ छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है और भूषण ने कोर्ट को बताया, अगर कोई छात्रा नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे हॉस्टल छोड़ने को कहा जाता है। लड़कियों पर लगाई गई पाबंदियां, छात्राओं को रात 8 बजे से हॉस्टल के बाहर जाना मना है, रात में लाइब्रेरी जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि और हॉस्टलों में 10 बजे तक जाने की इजाज़त होती है। छात्राओं को हॉस्टल के कमरे में वाईफाई लगाने की इजाज़त नहीं, छात्राएं अपने कमरे के बाहर भी हॉस्टल की ही ड्रेस में रहेंगी, जबकि छात्राओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश को आवेदन पत्र देते हुए जल्दी सुनवाई की मांग की, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सिस्टम के तहत तय की गई तारीख पर सुनवाई होगी। ये थी SM News रिपोर्ट।